सही है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप सभी बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया ही रहना। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो आप लोगों की डिमांड पे बना रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों से जितने भी वीडियोस डाल रही हूँ सबके कमेंट में यार एक कमेंट तो कॉमन देखने को मिलता ही मिलता है कि पिंक डायमंड स्टोर कब आएगा, पिंक डायमंड स्टोर कब आएगा, पिंक डायमंड स्टोर कब आएगा। आगे बोलना नहीं पता, बताना बताना। आज किस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे की आप लोगों को आपकी चाहती पिंक डायमंड स्टोर कब देखने को मिलेगी, या फिर देखने को मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अभी मजा आएगा ना वीडियो, सो इसीलिए आप लोग ये वीडियो पूरी देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड इसी के अलावा हमारा जो होली इवेंट आने वाला है उसमें आपको एक खतरनाक चीज रिटर्न देखने को मिल सकती है, वो भी आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। एंड इसके अलावा आप लोगों को और भी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में देने वाली हूं, जैसे कि ब्लैक बनी बंडल कब आएगा, ये वाला एनिमेशन कब देखने को मिलेगा, तो सबके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखना। तो चलो मैंने देखिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, आइए देखते। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इस बार के होली इवेंट से, जिसके सारे फ्री रिवॉर्ड्स तो आपको बता ही दिए मैंने, अगर नहीं देखे तो देख सकते हो, कल भी मैंने आपको बताए थे, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। एंड इस बार के होली इवेंट में लीक्स आ रही है कि आप लोगों को अपना ब्लू क्रिमिनल रिटर्न देखने को मिल सकता है। सो यस गाइस, इस बार के होली इवेंट में काफी चांसेस है कि आप लोगों को ब्लू या फिर येलो क्रिमिनल में से कोई एक रिटर्न देखने को मिलेगा। येलो के चांसेस कम है, लेकिन ब्लू के ज्यादा चांसेस है कि ब्लू वाला गरीना वाले रिटर्न करेंगे किसी ना किसी तगड़े इवेंट के अंदर। पैसा ही पैसा होगा। एंड आप लोगों को तो पता ही है कि यार गरीना वालों ने कुछ भी रेयर तो गेम में छोड़ा नहीं है, भले वो हिप हॉप बंडल हो, सकुरा बंडल हो, या फिर रेड क्रिमिनल, ग्रीन क्रिमिनल, सबकी इन लोगों ने यार ले लिए बुरी तरह से। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो साला। इसके अलावा पर्पल क्रिमिनल भी रिटर्न आ चुका है, तो इसलिए यार ब्लू क्रिमिनल आ भी जाएगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, एकदम ऐसा लगेगा कि हार्पिक की बोतल आ गई है गेम में। So, अगर कोई ब्लू क्रिमिनल वाला प्लेयर ये वीडियो देख रहा है तो बुरा मत मानना, बट क्या ही बोले, गरीना वाले किसी भी चीज को रेयर नहीं छोड़ रहे गेम के अंदर, तो इसके भी चांसेस है कि आप लोगों को होली इवेंट पर रिटर्न देखने को मिलेगा। एंड इसी के अलावा बात करें हमारे अगले इवेंट की, तो यहाँ पर काफी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि यार ये वाला जो एनिमेशन है हमारा खतरनाक सा, ये कब रिटर्न देखने को मिलेगा। रिटर्न नहीं, सॉरी, ये तो गेम के अंदर आया ही नहीं है। आई एम सॉरी बाबू। सो ये वाला एनिमेशन आप लोगों को आई थिंक नेक्स्ट मंथ या फिर उसके अगले मंथ तक ही देखने को मिलेगा, बिकॉज इस महीने तो कुछ भी मुझे लगता ही नहीं है कि गेम के अंदर आने वाले, क्योंकि ऑलरेडी इतने इवेंट चल रहे हैं, मैंने आपको बताया है, अगर इस महीने आएगा भी तो बहुत कम चांसेस है, बिकॉज ऑलरेडी एक एनिमेशन गेम के अंदर आ चुका है डेविल मे क्राई का, तो दो दो एनिमेशन एक साथ गरीना वाले नहीं देंगे। एंड ये वाली एनिमेशन जब भी आएगी तो आप लोगों को इस फीस की स्किन के साथ फेडेड व्हील के अंदर देखने को मिल सकती है, बिकॉज ये फीस की स्किन एंड ये एनिमेशन एक ही थीम पर दोनों बेस है, तो ये दोनों चीजें आप लोगों को एक साथ ही देखने को मिलेंगी जब भी आएंगी, लेकिन फिलहाल इनकी कोई कंफर्म डेट वगैरह निकलकर नहीं आ रही है। इस वाले एनिमेशन के लिए भी थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज इससे पहले आई थिंक आपको देखने को मिल जाएगा मछली की जल की रानी वाला एनिमेशन, ठीक है, तो ये आई थिंक इससे पहले आ जाएगा, उसके बाद ही वो एनिमेशन आएगा। एंड वैसे भी गरीना वाले ना यार पता नहीं इंडिया सर्वर के अंदर, इंडिया बांग्लादेश में हमेशा सारी चीजें लेट ही क्यों देते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा, मेरे कहने का मतलब है इसकी गरीना वाले इंडिया बांग्लादेश के अंदर हमेशा चीजें लेट ही डालते हैं, जैसे कि ये वाला जो इमोट है ये भी यार काफी पुराना इमोट हो गया, लेकिन इंडिया के अंदर अभी तक देखने को नहीं मिला, बाहर के काफी सर्वर्स में आके चला भी गया ये इमोट। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो सही में इन चीजों की वजह से यार बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मेरे को गरीना वालों पर। एंड इसके अलावा यार बात करें, काफी लोगों का क्वेश्चन है कि नेक्स्ट इवोगन कौन सी होने वाली है, तो नेक्स्ट इवोगन आप लोगों को देखने को मिलेगी AC-AT की। बोले बाबा। एंड ये जो AC-AT की गन स्किन है इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह अभी ऐड नहीं हुए हैं, बिकॉज उसको आने में भी टाइम लगेगा, ये आप लोगों के लिए 22 मार्च के बाद आएगी, बिकॉज 22 मार्च के बाद हमारा OB-39 का अपडेट आ जाएगा। एंड हर OB-39 के अपडेट में, हर OB के अपडेट में आप लोगों को नई वो गन देखने को मिलती है, तो ये हमारी रहने वाली है। इसके अलावा EVO G18 भी है, लेकिन EVO G18 आप लोगों को इसके बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले हमारी ये वाली गन आएगी वो AC-AT वाली। एंड इसके अलावा EVO G18 का लुक की बात करें तो यार काफी खतरनाक इसका लुक बनाया है इन लोगों ने, मतलब यार हद ही हो गई है, G18 की भी वो गन बना दी इन लोगों ने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, मतलब जो भी यार गरीना वाले इन फालतू की चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, कोई भी अच्छा इवेंट गेम में देते नहीं यार। मेरे को लगता है ना गरीना वालों को अच्छा इवेंट गेम में ना देने का रीजन हमारे इंडिया के यूट्यूबर्स हैं, बिकॉज हमारे इंडिया के यूट्यूबर्स इतने अच्छे अच्छे इवेंट ऑलरेडी यूट्यूब पर डालते रहते हैं, जिसको देखकर गरीना भी बोलती होगी मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं। क्योंकि यार यहाँ पे आप लोगों को फ्री में फीस की स्किन देखने को मिलती है, फ्री में आप लोगों को इवो गन्स देखने को मिलती है, फ्री में आप लोगों को यार हिप हॉप सकुरा बंडल, आर्टिक ब्लू बंडल देखने को मिलता है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ, तो इतने अच्छे इवेंट अगर तुम लोगों को ऑलरेडी यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाते हैं, तो गरीना वाले भी सोचते होंगे कि हम इवेंट क्यों ही दे यार तुम लोग को। खैर कोई ना, इसके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये सब चलता है। और बाकी यार जब तुम लोग ऐसी वीडियोस पे बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाते हो और जो रियल कंटेंट तुम लोगों को देता है उन पे सपोर्ट कम दिखाते हो, तो दिल से बुरा लगता है यार, बुरा लगता है भाई, दिल से लगता है। सो इसलिए आप लोग भी थोड़ा मैच्योर बनो गाइस, क्योंकि आपको भी पता है ऐसी रेयर आइटम्स गरीना वाले कभी भी फ्री में नहीं देंगे आप लोगों को। एंड इसके अलावा बात करें, यहाँ पर काफी लोगों को क्वेश्चन है कि ब्लैक बनी बंडल कब आएगा, कौन से इवेंट में आएगा, तो मैंने ये यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे देखने को मिलता है कि ये पिंक डायमंड स्टोर के अंदर आने वाला है।
मैं नहीं मानता। एंड मानना भी बंद गाइस, बिकॉज पिंक डायमंड के अंदर कभी भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, या आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी तगड़े इवेंट में। हो सकता है कि आप लोगों को रिंग वाले इवेंट में देखने को मिले, बिकॉज रिंग वाले इवेंट की नई प्रथा चल चुकी है हमारी गेम के अंदर। लूटने का नया तरीका मिल चुका है गरीना वालों को। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो रिंग इवेंट या फिर किसी टोकन टावर वाले इवेंट के अंदर ही आप लोगों को नजर आएगा, लेकिन फिलहाल इसकी कोई भी डेट वगैरह निकल कर नहीं आ रही है कि कब तक ये आएगा, इसका कोई आइडिया नहीं है। नहीं है तो नहीं है, साफ बोल रही हूँ, बिकॉज हवा में कोई डेट आप लोगों को नहीं बता सकती, बिकॉज यार इसकी सच में कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आ रही है। आप लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे थे इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कवर कर दिया, लेकिन फिलहाल ये देखने को नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ओके, समझ में आ रहा है। एंड इसके अलावा फाइनली अभी हम लोग बात कर लेते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, यानी कि हमारी पिंक डायमंड स्टोर कब आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि आपका सबसे बड़ा सवाल है। तो पिंक डायमंड स्टोर के बारे में मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले, जब इसकी लीक सारी थी। पहले इसकी लीक सारी थी कि विंटरलैंड इवेंट के टाइम पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों को एक सर्वर के अंदर देखने को मिली चिल पार्टी नाम के इवेंट के अंदर। एंड उसके बाद ये किसी भी इवेंट के अंदर देखने को नहीं मिली, मतलब किसी भी सर्वर के अंदर देखने को नहीं मिली। एंड अभी भी इसकी कोई भी आइडिया नहीं है कि ये कब तक आएगी, बिकॉज यार ये जो ऐसी चीज है ना, इसको आई थिंक गरीना वाले तभी देंगे जब उन्हें लगेगा कि प्लेयर बहुत कम गेम खेल रहे हैं। मगर क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि पिंक डायमंड स्टोर अगर गेम में आएगी तो वो प्लेयर्स भी गेम खेलेंगे जिनका गेम खेलने का मन नहीं करता, क्योंकि ये इवेंट ही ऐसा है। लेकिन गरीना वालों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि ये ऐसे इवेंट गेम के अंदर नहीं देते हैं, ये लोग फालतू के इवेंट देते रहते हैं जिनमें यार दो दिन में टोकन कलेक्ट करके बैठ जाते हैं प्लेयर्स, एंड उसके बाद पूरा महीना जब तक इवेंट खत्म नहीं होता तब तक बोर होते रहो। बात तो सही है। आई थिंक आप लोग भी मेरी इस चीज से एग्री करोगे कि पहले के टाइम पर जैसे हमारे इवेंट्स आया करते थे, लाइक रीजनल बैटल टाइप के हो गए, पिंक डायमंड स्टोर टाइप के हो गए, जिनमें यार फ्री रिवॉर्ड्स लेने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, एंड उसमें मेहनत करने का मजा भी आता था क्योंकि गेम भी ज्यादा खेलना पड़ता था और रिवॉर्ड्स काफी तगड़े होते थे तो गेम ज्यादा खेल भी लेते थे। लेकिन अभी जो इवेंट्स आते हैं काफी इजी से आते हैं, अभी जो इवेंट्स आते हैं उनमें मेहनत कम लगती है, रिवॉर्ड्स काफी जल्दी मिल जाते हैं, इवेंट का टाइम लंबा होता है, जब रिवॉर्ड मिल गए उसके बाद इवेंट यार बोरिंग लगने लग जाता है प्लेयर्स को। तो आई थिंक करीना को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़े अच्छे इंटरेस्टिंग इवेंट्स लेके आने चाहिए। आप लोग बताना आप लोग इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो, कमेंट करके बताना। एंड बाकी बात करें पिंक डायमंड स्टोर की, तो इसकी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है गाइस फिलहाल की, ये कब तक आएगी आप लोगों को सच्ची बताया, अगर आपको बुरा लगा है तो सॉरी बट ये अभी नहीं आने वाली है, इंडिया सर्वर के अंदर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। ओके, आप लोगों को इसके लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि गरीना वाले इसको 5th एनिवर्सरी पे दे, बिकॉज लास्ट टाइम पर ये 4th एनिवर्सरी पर आई थी, तो हो सकता है कि 5th एनिवर्सरी पे दे दे पूरे एक साल बाद, लेकिन अभी उसका भी कुछ नहीं कह सकते हैं। इसके लिए आप लोग अभी भूल जाओ इसको, थोड़े टाइम के लिए आप लोग भूल ही जाओ कि पिंक डायमंड स्टोर आएगी। ओके, सहलेंगे थोड़ा सा, इसलिए सहलो थोड़ा सा। बाकी अगर बीच में कोई इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग निकल कर आएगी कंफर्म वाली तो मैं जरूर बता दूंगी आप लोगों को। एंड जब भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया तभी बनाया जब इसकी कोई भी लीक अपडेट मिलती थी, लेकिन गरीना वाले इसको नहीं दिए तो उसमें यार मैं कुछ नहीं कर सकती। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। सो क्या ही बोलोगे, इसी वजह से गेम खेलने में मजा नहीं आता है क्योंकि ये लोग अच्छे इवेंट गेम में नहीं देते हैं। आप लोग दुआ करो थोड़ी गरीना वालों को अक्कल आ जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एंड बाकी गाइस इस वीडियो में इतना ही, काफी लंबी होगी ये वीडियो क्योंकि मैंने आपके काफी सारे क्वेश्चन कवर किए इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन पहले पर हाथों से ऑन भी कर देना। तो मैं मिलती हूं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।